Hello student, in previous two lectures we had learned that how to draw a cycloid curve when your point P is on ground point here and second one when your point is topmost point on the circle. Now today we are going to learn a cycloid curve when your point P is leftmost point on a circle. So let us see, this is a problem statement. Draw a cycloid of ruling circle having diameter 60 mm and when moving point is leftmost point on a circle. ठीक है, तो ये है problem statement. तो देखिए, all procedure is same as previous. सबसे पहले आपको 60 mm diameter का एक circle draw कर लेना है, उसके 8 equal number of part भी करने हैं. Then after ये जो pi d distance है, ये पाई डी डिस्टेंस आपको यहाँ से मार्क कर लेना है और ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेना है. उसके बाद जो भी 8 पार्ट आपने बनाए हैं, इन सब के प्रोजेक्शंस आपको ये साइड में ड्राउट कर लेने हैं. ओके, आफ्टर दैट ये जो पाई डी डिस्टेंस हमने डिवाइड किया है, तो इसके 8 नंबर ऑफ पार्ट जो किए हैं, इन सभी में से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं अप टू द सेंटर लाइन. सो यू विल गेट न्यू सेंटर लाइक C1, C2, C3 अप टू C8. ठीक है, सर्कल का डायमीटर यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे आपको पाई डी डिस्टेंस भी दिखाना है. तो और सभी प्रोसीजर जो है वो प्रीवियस जो दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है वैसी ही है. नाउ नेक्स्ट टास्क इज व्हाट, यू हैव टू मार्क ए पॉइंट P विच इज लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑन ए सर्कल. पॉइंट P जो है वो इस सर्कल पे सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, लेफ्ट साइड में. अब देखिए, इस सर्कल को अगर मैं इस लाइन के थ्रू कंसीडर करता हूं, तो इस लाइन की ये साइड वाला जो पार्ट है पूरा, दिस हाफ सर्कल इज नथिंग बट द लेफ्ट साइड ऑफ दिस सर्कल, और ये साइड का जो हाफ पार्ट है दिस इज राइट पार्ट ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो इस लेफ्ट साइड में ये जो पॉइंट है, दिस वन इज योर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑन ए सर्कल. सो वी कैन लेबल दिस पॉइंट एज पॉइंट पी विच इज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजिशन ऑफ पॉइंट पी. और जैसे ये सर्कल रोल होगा इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो सबसे पहली पोजीशन पॉइंट पी की होगी ये, इसीलिए हम इस पॉइंट को लेबल करेंगे पॉइंट वन, बिकॉज दिस सर्कल इज रोलिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज पॉइंट वन, दिस वन इज योर पॉइंट टू, दिस वन इज पॉइंट थ्री, दिस वन इज पॉइंट फोर, दिस वन इज 5, 6, 7 एंड अगेन फाइनली दिस वन इज 8, सो दैट इट विल कंप्लीट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. ओके, अब इसके बाद क्या करना है, देखो प्रोसीजर वही है, सिर्फ पॉइंट पी की पोजीशन यहाँ पे चेंज हुई है. आपको कंपास में डिस्टेंस लेना है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है, और कंपास रखनी है अभी सेंटर C1 के ऊपर. ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूजन होगा कि C1 पे कंपास रख के ये जो आर्क कट करनी है, ये 1 की प्रोजेक्टर पे कौन सी साइड में कट करना है, वेदर दिस इज ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो मैंने पहले आपको बताया है कि इस सर्कल को अगर हम दो हाफ पार्ट में कंसीडर करते हैं, तो ये सर्कल की लेफ्ट साइड है और ये सर्कल की राइट साइड है. जो आपकी लेफ्ट है वो सर्कल की लेफ्ट है, जो आपकी राइट है वो सर्कल की राइट है फ्रॉम दिस वर्टिकल लाइन. ओके, तो यहाँ पे देखिए 0.187 ये लेफ्ट साइड में है और 0.345 ये राइट साइड में है. दिस पॉइंट 2 इज एक्सट्रीम टॉप मोस्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट 6 इज ग्राउंड पॉइंट. ठीक है, तो 2 का प्रोजेक्टर टॉप मोस्ट पोजिशन पे ही आएगा और C का जो है तो वो ग्राउंड पोजिशन पे ही आएगा. ठीक है, तो C1 पे कंपास रखिए और ये 1 का प्रोजेक्टर है, नो डाउट इट इज ऑन लेफ्ट साइड, सो यू हैव टू कट दिस प्रोजेक्टर ऑफ 1 ऑन दिस साइड लेफ्ट साइड लाइक दिस. Then point 2, so put compass on C2, as it is on topmost point, तो ये यहाँ पे आएगा टॉप साइड पे. यहाँ से आप लाइन भी निकाल ले सकते हो, अगर ऐसी मैं स्ट्रेट लाइन निकालता हूँ, सो हियर यू विल गेट द पोजिशन ऑफ पॉइंट 2. ओके, इसको लेबलिंग भी कर सकते हैं तुरंत हम, दिस इज योर पॉइंट P1, दिस वन इज योर पॉइंट P2. नाउ पुट द कंपास ऑन C3.
अब C3 जो है, ये C3 कौन सी साइड में, सर्कल के राइट साइड में, तो 3 का प्रोजेक्टर अभी आपको राइट साइड में, इस C3 की राइट साइड में, ठीक है, ये साइड में आपको कट करना है लाइक दिस। सो दिस पॉइंट इज योर P3। नाउ पुट द कंपास ऑन C4। C4 अगेन 4 पॉइंट जो है वो भी राइट साइड में, तो C4 की राइट साइड में 4 का प्रोजेक्टर कट कीजिए ये साइड में। दिस इज योर पॉइंट P4। अगेन पुट द कंपास ऑन C5। 5 भी राइट साइड में है तो आपको ये साइड में ही आर्क कट करनी है लाइक दिस। सो दिस इज पॉइंट P5। और फाइनली अभी 6 जो है आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रिवॉल्यूशन, तो ये 6 ग्राउंड पोजीशन पे है, सो पुट द कंपास ऑन C6 और ये 6 ही का आपका यहाँ पे आएगा। सो दिस इज P6। ओके, अब हाफ रिवॉल्यूशन लेने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है सर्कल का लेफ्ट पार्ट, ठीक है। तो अभी कंपास रखिए C7 के ऊपर, और C7 के ऊपर कंपास रखने के बाद अभी 7 जो है तो ये सर्कल की लेफ्ट साइड में है, इसीलिए मैं C7 से C7 की लेफ्ट साइड में जो 7 का प्रोजेक्टर है उसे कट करूँगा ऑन दिस साइड। ओके, तो ये आ गया आपका P7 पॉइंट। एंड फाइनली फॉर C8 पुट द कंपास ऑन C8 और 8 का प्रोजेक्टर जो है तो उसे भी आपको लेफ्ट साइड में ही कट करना है। सो फाइनली हियर दिस इज पॉइंट P8। ओके, अब देखिए पॉइंट P से अगर हम कर स्टार्ट करते फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये कर ऐसे मूव होगा फ्रॉम पॉइंट P1, P2, P3, P4, P5, P6 यहाँ तक नीचे आएगा, और फ्रॉम पॉइंट P6 अगेन P7, P8 यहाँ पे वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही पे एंड हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं C8 सेंटर लेके एक सर्कल बनाता हूँ, तो आपको पॉइंट पी की इनिशियल पोजीशन नज़र आएगी। ये देखिए पॉइंट पी यहाँ पे था दिस पोजीशन, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने के बाद फिर से पॉइंट पी जो है आपका P8 फाइनल पॉइंट वो यही पे आता है, ठीक है। ओके, सो नाउ जॉइन ऑल दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व। ओके, सो आफ्टर जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स यू विल गेट द कर्व लाइक दिस। तो जब पॉइंट पी आपका एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पे है उस वक्त ये कर कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ ए साइक्लॉइडिक कर्व व्हेन योर पॉइंट पी इज लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑन ए रोलिंग सर्कल। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू ड्रॉ ए साइक्लॉइड कर्व व्हेन योर मूविंग पॉइंट पी इज राइट मोस्ट पॉइंट ऑन ए रोलिंग सर्कल। So this is a problem statement. Draw a cycloid of rolling circle having diameter 60 mm when moving point P is the rightmost point on a circle. तो अगर सर्कल के ऊपर मूविंग पॉइंट राइट मोस्ट दिया है तो उस कंडीशन में साइक्लॉइड कर कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर प्रोसीजर वही है, पहले आपको सर्कल निकाल लेना है, डिवाइड दैट सर्कल इंटू 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट, यहाँ पे पाई डी डिस्टेंस मार्क कर लेना है, पाई डी डिस्टेंस को भी 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लेना है, और हर एक पार्ट से प्रोजेक्टर भेजना है आपको कहाँ तक, सेंटर लाइन तक, सो दैट यू विल गेट न्यू सेंटर C1, C2 अप टू C8। ओके, नाउ मार्क द पोजिशन ऑफ पॉइंट पी ऑन राइट मोस्ट साइड। तो सर्कल के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस लाइन के ये साइड में सर्कल का लेफ्ट साइड पार्ट है और ये साइड में पूरा राइट साइड पार्ट है। तो राइट साइड में ये जो पॉइंट है, दिस इज योर राइट मोस्ट पॉइंट ऑन ए सर्कल, सो वी कैन लेबल दिस पॉइंट एज पॉइंट पी विच इज इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पोजिशन ऑफ पॉइंट पी। ओके, अब जबकि ये सर्कल रोल हो रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सबसे पहले पॉइंट पी की फर्स्ट पोजिशन होगी ये,
इसलिए मैं इस पॉइंट को लेबल करता हूँ एज ए पॉइंट वन. दिस इज पॉइंट टू, देन दिस वन इज थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड फाइनली दिस वन इज एट. ठीक है, आगे की प्रोसीजर आपको पता है. सेम प्रोसीजर, टेक द रेडियस ऑफ सर्कल इन कंपास. ठीक है, पुट द कंपास ऑन C1 सेंटर एंड कट द प्रोजेक्टर ऑफ वन. अब प्रोजेक्टर वन का जो प्रोजेक्टर है, इस प्रोजेक्टर वन को आपको कट करना है, लेकिन कौन सी साइड पे? तो ये सर्कल पे है, ऑन राइट साइड. सो यू हैव टू कट द प्रोजेक्टर ऑफ वन ऑन द राइट साइड ऑफ दिस वन पोजिशन, लाइक दिस, ऑन दिस साइड, वन की राइट में. ठीक है, बिकॉज वन इज सिचुएटेड ऑन द सर्कल ऑन राइट साइड. सो हियर वी कैन लेबल द पॉइंट एज पॉइंट P1. इस पॉइंट को हम बोलेंगे हम पॉइंट P1. ओके, सिमिलरली फॉर C2, पुट द कंपास ऑन C2 विद सेम रेडियस ऑफ सर्कल एंड कट द प्रोजेक्टर ऑफ 2. अब 2 जो है वो ग्राउंड पॉइंट है, तो आपका P2 पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, दिस पॉइंट. सो लेबल दिस पॉइंट एज P2. सिमिलरली फॉर C3, पुट द कंपास ऑन C3. 3 देखिए आपका यहाँ पे, सो 3 इज सिचुएटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ सर्कल. ठीक है, तो 3 के प्रोजेक्टर को हम इस प्रोजेक्टर को C3 के लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट करेंगे, ऑन दिस साइड. सो दिस विल बी योर पॉइंट P3. देन पुट द कंपास ऑन C4. C4 भी लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट P4. सिमिलरली पुट द कंपास ऑन C5. C5 भी लेफ्ट साइड में, तो C5 के लेफ्ट साइड में आपको इसको इंटरसेक्ट करना है. यहाँ पे आएगा आपका P5. 6 जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे आएगा. ठीक है, इसकी पोजीशन मार्क करने के लिए सीधा एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लो, या स्केल की मदद से सिर्फ यहाँ पे आप पॉइंट मार्क कर लो. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट P6. देन C7. अब 7 राइट साइड में, तो C7 से 7 के प्रोजेक्टर पर C7 की राइट साइड में आपको मार्किंग कर ली, ऑन दिस साइड. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका P7 एंड फाइनली P8, वो भी राइट साइड में. सो पुट द कंपास ऑन C8 एंड कट द प्रोजेक्टर ऑन राइट साइड. ठीक है, अब ये पाईडी डिस्टेंस के बाहर जा रहा है. ठीक है, नो डाउट दिस इज द C8 सेंटर, ये लास्ट वाला सेंटर है सर्कल का. ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, दिस इज पॉइंट P8. अब ये सभी पॉइंट्स आपको ज्वाइन करने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P. P से स्टार्ट होगा P1, दिस इज P2, P3, P4, P5, P6, P7 एंड फाइनली दिस इज P8. ओके, सो आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स वी विल गेट द कर्व लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट 6 रॉन्ग हो गया था. ठीक है, पॉइंट 6 यहाँ पे. अब ये जो C8 सेंटर है, C8 सेंटर लेके और वही सेम रेडियस लेके अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए एट द एंड पोजिशन ऑफ दिस रोलिंग सर्कल पॉइंट P जो है P8, वो फिर से उसी इनिशियल पोजिशन पे रीच होता है. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ ए साइक्लॉइड कर्व व्हेन यूर पॉइंट P इज राइट मोस्ट पोजिशन, देन when your point P is on leftmost position, and this one is when your point P is on ground, and this one when your point is on topmost position. ठीक है, तो examination में अगर ऐसा specific position दिया है point P का, तो उस case में आपको specific ही निकालना है. और अगर नहीं mention किया है, तो आप इन चारों में से जो आपको लगता है वो ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, ओके, थैंक यू.